हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है दिन शनिवार का, लेकिन मुझे लगानी थी मशीन संडे को, लेकिन संडे को मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आज शनिवार में ही अपना ये काम ख़त्म कर लूँगी। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह शाम के टाइम ही चेंज कर दी, और बेडशीट चेंज कर दूँगी, और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह है वो बचेगी, वो मैं करूँगी सिर्फ संडे में सुबह के टाइम। तो जब कहीं जाना होता है ना, तो वैसे ही इतना कम टाइम होता है हमारे पास में, ज़्यादा काम हम कर नहीं पाते उस टाइम। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज ही ख़त्म कर लूँ इस काम को। और मैं कहाँ जाऊँगी आपको मैं आगे वीडियो में बता ही दूँगी, आपको पता चलेगा ही। तो ये कपड़े मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में, और इसके बाद मैं आ गई यहाँ नहा धोकर। तो मैं यहाँ तैयार हो रही थी जाने के लिए, और मुझे जाना था अपनी बेटी के स्कूल में एक्चुअली। और पहले मुझे संडे में कहीं जाना था, पर संडे का मेरा वीडियो मिस हो गया, संडे को मैं नहीं गई। मैं मंडे को फिर उसके स्कूल ही गई। और देखिए, मैंने रास्ते का थोड़ा सा क्लिप ले ली थी, क्योंकि मैं लॉकडाउन के बाद पहली या दूसरी बार ही निकली हूँ, और वो भी मजबूरी में। तो ये मैं उसके स्कूल पहुँच गई, और यहाँ से यहाँ पे उसने थोड़ी सी अपनी क्लिप बनाई, और मेरा काम हो गया था ख़त्म। तो घर आने के बाद में देर बहुत हो गई थी, तो खाना बनाने का टाइम नहीं था। तो फिर सोचा कुछ ऐसा बना लिया जाए जो जल्दी भी बन जाए और बच्चों को पसंद भी आ जाए। तो मैंने यहाँ सोचा कि मैक्रोनी बना लेती हूँ मैं। तो मैंने मैक्रोनी बना के एक तरफ सब्जियाँ बनाने के लिए मैक्रोनी बनाने के लिए एक तरफ मैंने सब्जियाँ काट के थोड़ी सी भून ली, और उसमें मैंने थोड़ी सॉस मिला ली। तो दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी उबलने के लिए रख दी थी, वो मेरी उबल चुकी हैं, तो वो मैं फटाफट से इसमें डाल दूँगी। तो ये झटपट हमारी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी, और जो कि बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही खुश होकर खाते हैं। कहीं से आओ ना बाहर से, तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी काम करने का, या खाना वाना बनाने का कुछ भी। तो कुछ छोटा मोटा ऐसे ही जल्दबाजी का सामान बना लिया जाए तो ही बेटर है। और बच्चे तो मैक्रोनी इतना खुश होकर खाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज यही बना देती हूँ। तो ये झटपट बन भी जाती है। तो लगभग बनी गई है ये मैक्रोनी। और मैंने देखिए, मैंने ना इसमें सोया सॉस वगैरह नहीं मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ बेटे की निकाल दूँगी पहले थोड़ी सी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मिर्च नहीं खाता बिल्कुल भी। और उसके बाद मैं ये हरी मिर्च डाल दूँगी कटी हुई इसमें। तो मुझे ना एक दूसरी कढ़ाई भी लेनी है, मेरी कढ़ाई ना ये बहुत ख़राब हो रही है। तो मैं जिस दिन जाऊंगी मार्केट में तब लेके आऊंगी, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई है, तो मैं डाल दूंगी बेटी के लिए भी। और चलिए उसको देकर आते हैं, इंतज़ार कर रही है बेचारी बहुत देर से। तो ये शाम के टाइम की क्लिप है, मैं बाहर बैठी थी। ये हमारी गार्डनिंग है थोड़ी सी, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और ये मेरा बेटा साइकिल चला रहा था यहाँ पे, तो मैं उसी की वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पे। तो मुझे देख के वो साइकिल कम चला रहा था और मुझे ज़्यादा देख रहा था कि आप मेरी वीडियो बना रही हो।
एक्चुअली ना वो यहीं गली में ही साइकिल चला लेता है, क्योंकि बाहर ना हमारे घर के सामने मेन रोड है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस पर, तो हम उसको वहाँ नहीं जाने देते साइकिल लेके, तो वो यहीं गली में ही चला के खुश हो जाता है बेचारा। देखिए आप सामने देख सकते हैं कि ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो काफ़ी हैवी व्हीकल चलते हैं उस रोड पे, तो इसलिए हम उसको अलाउड नहीं करते बाहर जाने के लिए। तो हम भी शाम के टाइम यहीं बैठ जाते हैं बाहर, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, काफ़ी सारे गमलों में पेड़ पौधे लगा रखे हैं मम्मी ने पापा ने, और बहुत केयर भी करते हैं इनकी। तो मैं यहीं बैठी थी शाम को, तो तभी मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैंने ये कुछ बाउल मंगाए थे आप देख सकते हो, तो ये 12 का पीस आया, ये मैंने मीशो से मंगाया था और बहुत अच्छे बाउल आए हैं और ये 12 पीस आए हैं। मैंने ये मंगाए थे, या तो आप इनमें करी सर्व कर सकते हैं या डेज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं, तो मैं आगे अपने आने वाले वीडियोज़ में इनको आपको दिखाऊँगी ज़रूर। तो आपको मेरा वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।